हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पास में मेट्रो का काम चल रहा है और मेरे घर के पास में करीब 50 कदम की दूरी पे है और दिखता भी है मेरे घर के पास से। तो ये वीडियो मेरा बेटा शूट करके लाया था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बस स्टैंड पड़ता है झकरकट्टी कानपुर में, तो ये उसी लाइन पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, जस्ट ट्रांसपोर्ट चौराहे पे बन रहा है। तो ये देखिए ये कितनी तेज़ी से वर्क हो रहा है और ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये सेकेंड पार्ट का काम चल रहा है कानपुर में। फर्स्ट पार्ट की मेट्रो बन चुकी है, जो जिसमें 9 स्टेशन थे। अब ये सेकेंड पार्ट में जितने स्टेशन रह गए हैं, करीब 11 स्टेशन हैं। तो ये सारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट से काम स्टार्ट हुआ है। झकरकट्टी में भी स्टेशन बन रहा है, वहाँ से काम स्टार्ट है और ये वहाँ तक जाएगा, नौबस्ता, जरौली और गोविंदनगर साइड भी जाएगा। तो ये सारे स्टेशन जोड़े जाएंगे, बड़ा देवी में भी चल रहा है। तो ये सारे स्टेशनों पे वर्क चल रहा है, मेट्रो का बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये देखिए कितनी तेज़ी से चल रहा है। मेरे रात का वीडियो है ये, और नाइट में थोड़ा कम दिख रहा था। मैं दिन का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। और ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा। तो जितने भी हमारे कानपुर के इधर के एरिया में आने वाले कस्बा से लोग हैं जो बाज़ार के लिए आते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। लोगों को टेम्पो में पैसा नहीं बर्बाद करना पड़ेगा और मेट्रो में बहुत सस्ता पड़ेगा किराया और बहुत आराम हो जाएगा और भीड़ भी कम हो जाएगी। सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है जो जितनी जल्दी जल्दी तैयार करवा रही है, बड़ी खुशी है देख करके, अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा जानकारी रखती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ दिखाऊँ, क्योंकि मेरे घर के जस्ट पास में काम हो रहा है। तो ये देखिए जैसे जैसे ये रेडी होता जाएगा, वैसे वैसे अपडेट मैं आप लोगों को देती जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि और भी स्टेशनों की जानकारी आपको देती जाऊं। बारा देवी भी बिल्कुल नज़दीक में ही है, वहाँ का भी वीडियो डालूंगी मैं। और ये नौबस्ता तक वर्क चल रहा है, गल्ला मंडी नौबस्ता तक, वहाँ भी प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे सारे मेट्रो के पार्ट्स और